हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। माय नेम इज़ तान्या अब्रोल एंड मेरे साथ आप लोग स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर फॉर एसएससी सीजीएल की लेक्चर सीरीज़। हम लोगों ने लेक्चर 1 कवर किया है जिसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, राइट। जिसमें हमने कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ से आया, फादर ऑफ कंप्यूटर कहें, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बैकग्राउंड हम लोगों ने किया। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 2 और यहाँ से हम लोग आगे के कंसेप्ट को क्लियर करना शुरू करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो लर्नर्स गुरुकुल चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज ये सीरीज जो है कंप्लीट मैं आप लोगों को यही करवाने वाली हूं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी लेक्चर आए आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर आए, है ना। तो सब्सक्राइब करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज की लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज हम पहले स्टार्ट क्या करेंगे विद वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको यूज करके कंप्यूटर अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट विद द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर किस किस हिस्से से बना है, किस किस कंपोनेंट्स को कंप्यूटर यूज़ करता है। जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से यूनिट्स को यूज़ करके कंप्यूटर अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है, तो वही कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही आप लोगों का निकल जाता है कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो हमें किसने दिया, ठीक है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने इन्वेंट किया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब इस पे जब क्वेश्चन पे बात आती है तो देयर आर मेनी पीपल, देयर वर मेनी मेनी पीपल जिन्होंने कंप्यूटर का अपने अपने हिसाब से आर्किटेक्चर दिया। लेकिन हम जिस आर्किटेक्चर को हम फॉलो करते हैं, जिस बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को हम आज तक मॉडर्न कंप्यूटर में फॉलो करते हैं, हम उन्हीं की इन्वेंशन को कंसिडर करते हुए याद रखेंगे कि किसने किया है। जॉन वॉन न्यूमैन वॉज द पर्सन, ये है ना, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन वॉज द पर्सन जिन्होंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया, वो आर्किटेक्चर जिसे हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। आज तक मॉडर्न कंप्यूटर्स में भी वही कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। अब इनके आर्किटेक्चर को हम क्या कहते थे, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ऑल्सो नोन एज वॉन न्यूमैन मॉडल और प्रिंसटन, ये इनके मॉडल को नाम दिया गया, ठीक है। और कब दिया इन्होंने, 1945 में। अब आप लोग बोलोगे कि आज तक हम फॉलो करते हैं, इन्होंने हमें आर्किटेक्चर दिया, बट वो आर्किटेक्चर क्या था, दिस इज़ द आर्किटेक्चर। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि कंप्यूटर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी वर्किंग को कंप्लीट करता है, जैसे कि इनपुट लेता है, इनपुट की प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसर का यूज़ होता है, जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी कहीं ना कहीं करना है तो उसके लिए स्टोरेज यूनिट भी है, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि आउटपुट यूनिट भी है। तो यही 4 कंपोनेंट्स इन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में। पहला यूनिट कौन सा यूनिट, इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या आ जाता है, आपके डिफरेंस इनपुट डिवाइसेस। सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे व्हेन वी विल डू कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जब हम करेंगे, तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, इन सब के थ्रू हम कंप्यूटर में क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। उसके बाद जब हम डेटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं होल्ड भी होंगी, उसके लिए हमें कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट भी चाहिए यानी कि मेमोरी चाहिए, उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोसेसर चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, तो सीपीयू भी वहां पर आ गया प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद जब प्रोसेसिंग होगी तो कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट भी तो मिलना है, तो रिजल्ट मिलने के लिए जो अलग नेक्स्ट यूनिट है वो है विच यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो ये 4 यूनिट्स को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा कि एक बेसिक कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होना चाहिए वो इन 4 यूनिट से कंप्लीट होता है, इन 4ों की जरूरत है तभी कंप्यूटर अपना जो काम है वो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ये है बेसिक आर्किटेक्चर, इसे हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। अब इस आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए, इस ब्लॉक डायग्राम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है, हम थोड़ा सा वो थ्योरेटिकली देख लेंगे, पता तो हमें चल गया है अभी तक, बट थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे। तो अभी आ जाएंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पे। तो जो भी कंप्यूटर पे हम काम करते हैं वो उसे बहुत बहुत आसान बना देता है, ठीक है। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या करता है, उस पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है। जो आपका सीपीयू है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब जो एक्चुअल जॉब परफॉर्म करता है,
जो प्रोसेसिंग करता है. तो ये जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है ये कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करता है उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन जॉब को ख़त्म करने के लिए जो भी हमने कंप्यूटर को दी है. उन सेट ऑफ सीरीज, जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं या जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जो एक प्रोसेसर फॉलो करता है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं मशीन साइकिल. अब इसको साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर तरह की इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में देते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो यही पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करता है, वो यही पर्टिकुलर स्टेप्स को बार बार चलाता है, इसीलिए हम इसको मशीन का साइकिल बोलते हैं. अब ये स्टेप्स क्या क्या हैं, ये स्टेप्स क्या क्या हैं मशीन साइकिल में. तो पहला स्टेप फेचिंग द इंस्ट्रक्शन, इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने इंस्ट्रक्शन दी है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या हुई, फेच हुई. अब उसके बाद क्या होगा, वो डीकोड होगी, क्योंकि जब हम इनपुट देते हैं हम तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देते हैं, हम तो टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, ऐसे कुछ इनपुट देंगे है ना. अब कंप्यूटर को कहाँ समझ में आएगा 1 2 3 क्या है, ABC क्या है. तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको पहले मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में डीकोड करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा. तो ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप, जो भी डेटा उसने डीकोड किया है वो सारे के सारे डेटा को ट्रांसफर करेगा, राइट, इनटू द पर्टिकुलर डिवाइसेस जहां पे प्रोसेसिंग होनी है. उसके बाद जब आपके प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगी तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा. सो यही साइकिल हर बार चलता है जब आप कोई भी जॉब कंप्यूटर को देते हो. डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, बट साइकिल हमेशा यही चलता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मशीन साइकिल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. अब ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए इसको परफॉर्म करने के लिए भी ऑब्वियसली जैसे हमने बेसिक आर्किटेक्चर में बना कंप्यूटर कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल करता है, तो वी हैव बेसिक 4 यूनिट्स. कौन कौन सा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट. तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इनपुट यूनिट की जो भी वर्किंग है उस पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या उसके लिए कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पूछ लिया जाएगा ये कंप्यूटर के कौन से कॉम्पोनेंट का काम है, तो आपको पता होना चाहिए है ना. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इनपुट यूनिट पे. तो इनपुट यूनिट किसके थ्रू इनपुट यूनिट होता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, लाइक माउस, कीबोर्ड एंड ऑल. तो जब आप इनपुट देते हैं तो क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को कंप्यूटर के इनसाइड वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हम तो बाहर से हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाएँ. तो एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो मशीन अंडरस्टैंड करती है यानी कि मशीन लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करते हैं कंप्यूटर का जो भी कन्वर्टेड डेटा है. ये काम हो गया इनपुट डिवाइसेस का, इनपुट हमसे लेना, उसको पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कंप्यूटर सिस्टम तक उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को सप्लाई करना, ठीक है. जब वो सप्लाई हो गया तो वो डेटा और इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं होल्ड होगी है ना, कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर होल्ड करके रखेगा डेटा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिए. तो उसके लिए कंप्यूटर को क्या चाहिए होता है, स्टोरेज यूनिट चाहिए होता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको समझाती हूँ. जब स्टोरेज यूनिट हो जाता है उसके बाद क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलती है. आउटपुट के लिए क्या हो गया आपका, आउटपुट यूनिट जो इंटरनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, कनेक्ट करता है. इनपुट यूनिट क्या करता है, एक्सटर्नल को इंटरनल से कनेक्ट करता है और वापस इंटरनल को एक्सटर्नल से कनेक्ट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू मिलते हैं, ठीक है. जैसे प्रिंटर्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा, ये हो गए आपके आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद मैंने बात की कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड होंगी, तो उसके लिए क्या है, स्टोरेज यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट भी कहते हैं. तो ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर to be held in what, memory unit of a computer system, storage unit of a computer system. Even जो आपके intermediate results होते हैं outer output devices के through जो हमें results मिलते हैं वो भी कहाँ store होंगे, कहीं ना कहीं किसी storage unit में. अब ये जो हम storage की बात करते हैं ये दो particular types of storages में divide होता है, यानी कि जो हमारा memory unit है वो दो memory types में divide होता है. एक होती है primary storage जिसे हम primary memory भी कहते हैं या main memory भी कहते हैं, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. अभी मैं इसको ओवरव्यू दूंगी क्योंकि जब हम मेमोरी यूनिट करेंगे उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसकी एक एक टाइप अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है. सो स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी यूनिट, तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वहाँ पे वो डेटा होल्ड होता है, वो इंस्ट्रक्शंस होल्ड होती हैं जिस पे आप करंटली काम कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप करंटली यूट्यूब चला रहे हो है ना, ये एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, तो ये जो डेटा है ये कहाँ पर होल्ड हो रहा है, आपके फ़ोन की या आपके डिवाइस की मेन मेमोरी में.
सो वॉट एवर यू आर वर्किंग करंट यू आर करंटली वर्किंग ऑन अ सिस्टम इज टू बी होल्ड बाय विच टाइप ऑफ मेमरी प्राइमरी मेमरी जो करंट वर्क होता है वो प्राइमरी मेमरी होल्ड करती है और ये टेम्प्रेरी होती है मतलब जब तक हम काम कर रहे हैं जब तक हम कोई करंट काम कर रही है तब तक होल्ड करके रखती है उसके बाद ये फ्री हो जाती है ठीक है। दूसरा आता है स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज इज काइंड ऑफ अ परमानेंट मेमरी इस तरह की मेमरी का हम यूज़ करते हैं अपने डेटा का बैकअप रखने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने पेन ड्राइव्स रखे होते हैं आपने हार्ड डिस्क रखे होते हैं है ना आपके पास CDs DVDs होती हैं जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हो तो ऑल ऑफ दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिनको आप बेसिकली बैकअप पर्पज़ के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए फॉर लेटर यूज़ रखते हो ठीक है। तो ये हो गई आपकी दो तरह की मेमरी डिवाइसेस। तो तीन यूनिट्स हमने पढ़ लिए इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज योर प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग किससे कंप्लीट करता है तो वहाँ पर आता है CPU का काम और CPU का फुल फॉर्म बहुत कॉमन है सबको ही पता होगा इट इज़ व्हाट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ जैसे ह्यूमन बॉडी है ठीक है ह्यूमन बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो पूरी की पूरी बॉडी की वर्किंग को कंट्रोल करता है बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मैं पूछूँ वो कौन है तो आंसर क्या होगा आप लोगों का ब्रेन ऑफ अवर बॉडी ब्रेन इन अवर बॉडी है ना। हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो हमारी हर एक मूवमेंट को हर एक एक्शन को हर एक फीलिंग को हर एक ऑर्गन को इवन हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर मशीन में जो प्रोसेसर है आपका CPU है वही कंप्यूटर की छोटी छोटी वर्किंग को कंट्रोल करने का काम करता है ठीक है। सारे डिवाइसेस जो हैं सारी वर्किंग जो है सारी कैलकुलेशंस जो है इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है प्रोसेसर CPU। इसीलिए हम CPU को और क्या इस नाम से जानते हैं हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है विच वन इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप किसे कहते हो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप कहते हो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यानी कि CPU को। तो CPU के मेजर फंक्शंस क्या होते हैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना सारे डिसीजंस लेना जैसे हम डिसीजंस लेते हैं किसके थ्रू हमारे ब्रेन के थ्रू ही ऑब्वियसली है ना तो डिसीजंस लेना हमारे ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो वैसे ही जितने भी अदर हार्डवेयर यूनिट्स हैं इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज मेमोरी डिवाइसेज इन सबकी इंटरेक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है CPU का ही होता है। तो हर तरह का टास्क जो है वो CPU ही परफॉर्म करता है लेकिन CPU भी फर्दर कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है ठीक है। CPU ने भी अपने आगे कुछ यूनिट्स रखे हैं फॉर एग्जांपल अपने आगे कुछ इम्प्लॉयज़ रखे हैं अपना काम थोड़ा आसान करने के लिए अपने काम को उसने डिवाइड कर दिया है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU तो CPU के दो कंपोनेंट्स हैं दो यूनिट्स हैं एक ALU और दूसरा CU। ALU stands for Arithmetic Logical Unit ये पूछा जाता है फुल फॉर्म एंड CU stands for Control Unit। Now let's just understand Arithmetic Logical Unit क्या है और Control Unit क्या है क्योंकि इस पर भी आपका MCQ बनता है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ कि किस में से क्या MCQs निकलेंगे ताकि आपको पता हो जो हम पढ़ रहे हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं कैसा क्वेश्चन इसमें से आएगा राइट। तो सबसे पहले आता है ALU Arithmetic Logic Unit। अब ये जो Arithmetic Logic Unit है ये फर्दर दो हिस्सों में है एक हो गया अरिथमेटिक यूनिट एक हो गया लॉजिकल यूनिट। अब ये जो अरिथमेटिक यूनिट है जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं मतलब जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है ना जैसे एडिशन करना सब्सट्रैक्शन करना मल्टीप्लिकेशन करना डिवीजन करना जितना भी कैलकुलेटिव पार्ट होता है जो एक प्रोसेसर को परफॉर्म करना होता है वो कौन से हिस्से में परफॉर्म होता है आपके अरिथमेटिक यूनिट में ठीक है। ऑपरेशन सच एज एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा आर परफॉर्म बाय ALU कैलकुलेटिव पार्ट जो होता है। उसके बाद आता है लॉजिकल पार्ट। मैंने आपको बोला कि इट टेक्स ऑल द डिसीजन CPU डिसीजन मेकिंग में भी काम करता है तो जितने भी डिसीजन मेकिंग वाले काम होते हैं लॉजिकल पार्ट डिसीजन मेकिंग क्या कि आपने 10 काम कंप्यूटर को दिए हैं पहले कौन सा काम करना है प्रायोरिटी किसको देनी है ठीक है कौन सा काम इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग जो काम होता है वो कौन सा करता है लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट का क्या काम होता है कैलकुलेटिव एंड डिसीजन मेकिंग टास्क ऑफ अ CPU इज डन बाय दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑलराइट। उसके बाद सेकेंड यूनिट आता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि इसका नाम है कंट्रोल यूनिट तो इसका काम भी क्या होगा
सारे टास्क को और सारे यूनिट्स को कंट्रोल करना. एज आई सेड, सीपीयू का काम है सारे यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करना. यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, उनके बीच में इंटरेक्शन को कंट्रोल करना किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है. देखो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जैसे कंपनी का मैनेजर होता है ना, बिल्कुल वैसे काम करता है. अभी कंपनी का जो मैनेजर होता है वो क्या काम करेगा? ऑब्वियसली सारे इंप्लॉयज़ की वर्किंग को कंट्रोल करेगा, है ना, कि सारे इंप्लॉयज सही से आउटपुट दे रहे हैं या नहीं, सही से काम हो रहा है या नहीं, या फिर सारे इंप्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन हो रही है या नहीं, बाहर जो इनके क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो भी होल्डर्स हैं, उन सबके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, यही एक कंपनी के मैनेजर का काम होता है. तो बिल्कुल एक कंप्यूटर के सीपीयू में भी जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका भी यही काम होता है. बिल्कुल एक मैनेजर की तरह जो भी टास्क हैं, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन है कि इनपुट आएगी, आउटपुट यहाँ जाएगी, यहाँ स्टोर होगा, ये सब कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारे ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है जो सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल यूनिट भी होता है, सारे के सारे यूनिट्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है. दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका निकल गया. आई गेस ये यूनिट सबको समझ में आ गए होंगे. अब यहाँ तक समझ आ गया तो प्रोसेसर से रिलेटेड देर इज़ वन मोर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड का पहला सीपीयू, वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हियर इज इट इज़ वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर या वर्ल्ड का पहला सीपीयू या प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004. किसने बनाया? इंटेल कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस कंपनी का नाम तो सबने सुना है. तो इंटेल 4004 इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोसेसर, ठीक है. और ये कब बनाया गया था? 1971 में ये माइक्रो प्रोसेसर बना. नाम क्या है? इंटेल 4004. इतना एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर्किटेक्चर और वी कैन सी द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. हर एक कंप्यूटर, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, जो काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे करता है, इन्हीं डिवाइसेस को यूज़ करके करता है. दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर गिवन बाय होम जॉन वॉन न्यूमैन. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया. तो ये हो गया आपका अभी तक का. अब जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, हम वापस जा रहे हैं हिस्ट्री पे, ठीक है. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वापस हिस्ट्री पे. सो नेक्स्ट पार्ट वी आर स्टार्टिंग इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, अब क्या है ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? अब हम अपने ह्यूमन बींग के तौर पे जनरेशन की बात करें तो पास्ट से लेके जब मतलब हमारा ये पूरा इरा शुरू हुआ ह्यूमन बींग्स का, एप से हम लोग डेवलप हुए एंड ऑल, तब से लेके अब तक जैसे जैसे हमारे बिहेवियर में, टेक्नोलॉजी में एवरीथिंग जो चेंजेस आए हैं उसको हम जनरेशन बोलते हैं. हम बोलते हैं ना, हमसे पुरानी वाली जनरेशन ऐसी थी, आगे वाली जनरेशन में ये चेंजेस होंगी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चेंजेस होंगी. वहीं से जब आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर्स बने वो कौन से कंप्यूटर्स थे स्टूडेंट्स? मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे. हम इन पे भी आएंगे, ठीक है, हम प्रॉपर हिस्ट्री पे भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपको इसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगी. इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे. अब मैकेनिकल कंप्यूटर्स का मतलब क्या है कि ये वाले कंप्यूटर्स बिजली से नहीं चलते थे, इनको मैकेनिकली ह्यूमन को खुद चलाना पड़ता था, ठीक है. लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का इरा शुरू हुआ, जब बिजली से चलने वाले कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए, तो उस टाइम से लेके अब तक कंप्यूटर्स के साइज़ में, उसकी टेक्नोलॉजी में, जो उसमें डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आई, उसके बेसिस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया किसमें? जनरेशंस में. और टोटल कितनी जनरेशंस हैं? तो टोटल वी हैव 5 जनरेशंस. 5 जनरेशंस हैं कंप्यूटर की, ठीक है. जैसे हम फर्स्ट, जब पहली जनरेशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की हम लोग बात करें, तो उस वक्त कंप्यूटर्स इतने बड़े साइज़ के होते थे कि वो एक पूरा हॉल के साइज़ का या पूरे एक रूम के साइज़ का कंप्यूटर हो सकता था. बहुत ही ज़्यादा स्लो होते थे, बहुत ही ज़्यादा हीट एमिट करते थे. फिर उसके बाद जब ये वाले ड्रॉबैक्स को क्या किया गया? ओवरकम किया गया, साइज़ रिड्यूस किया गया, पावर कंजम्पशन रिड्यूस की गई, स्पीड बढ़ाई गई, तो उस वक्त आ गई सेकेंड जनरेशन. फिर उसके बाद आई थर्ड जनरेशन, जब साइज़ और रिड्यूस हो गया,
टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट हो गया, डिवाइसेस जो यूज़ होने लगे वो और अच्छे डिवाइसेस यूज़ होने लगे, स्पीड इम्प्रूव हो गई तो थर्ड जनरेशन, फिर इसी में जब और इम्प्रोवाइजेशन हुई तो फोर्थ, और आज हम हैं फिफ्थ जनरेशन में, जब हमने साइज इतना रिड्यूस कर दिया कि एक कंप्यूटर इवन हमारे हाथ में भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर स्मार्टफोन्स, है ना, इतने स्मार्ट हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा तेज़ी से सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं और हमसे भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ऐसे करके जब कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस हुई तो आ गई पांच जनरेशंस। अब हमें फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक क्या क्या मेजर चेंजेस हुए कंप्यूटर में, हमें वो पढ़ना है। ऑल राइट, सो विल स्टार्ट विद द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड द पीरियड ऑफ टाइम कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक रही। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन करेंगे, और यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं ना कि कौन सी जनरेशन कितने सालों तक रही, ये कहीं पर भी पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम कभी भी ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, एग्जैक्ट ईयर्स नहीं दिए गए, ठीक है। तो आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे, आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर देखोगे, डिफरेंट सोर्सेज पर देखोगे, तो यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, एक दो साल का फर्क हर जगह आएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन मैंने 1942 टू 1955 लिखी है, कहीं आपको 45 टू 59 बताएगा, कहीं आपको 40 टू 50 बताएगा, तो ये गैप आपको हर जगह दिखेगा, राइट। तो इसलिए हम जनरल कंसीडर करके चलते हैं कि 1940 से 1950 के बीच का जो टाइम था वो कौन सा टाइम था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट का टाइम था। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये बहुत 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 बड़े होते थे साइज़ में, जैसे कि मैंने बताया एक पूरा बड़ा रूम तक कवर कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा स्लो होते थे, पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है एमिट करते थे, इसलिए इनको हमें बिग ACs वाले रूम में रखना पड़ता था, जिसके लिए ऑब्वियसली फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के बेसिक फीचर्स। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं कुछ और फीचर्स पे, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वो मैंने यहाँ बोर्ड पर आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स से स्टार्ट हुई जनरेशंस, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा हर जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कि किस जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पूछा जाए, ये नाम आपको याद रखना है, जनरली वैक्यूम ट्यूब्स ऑप्शन में होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि इनकी स्पीड किस में मेजर होती थी, तो यहाँ पर जो इनकी स्पीड थी इट वाज मेजर्ड इन व्हाट, मिली सेकेंड्स। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स थे, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स थे, जैसे कि हमने कल किया था कि जब हमने हमारा डेवलप हुआ एनालिटिकल इंजन, तो वहाँ से प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का जो है वो शुरुआत हुई, राइट। तो जब जनरेशन स्टार्ट हुई, प्रोग्रामिंग वाले कंप्यूटर्स आए, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर काम करता था। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर मेजरली कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब जो लैंग्वेजेस बनना शुरू हुई हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी है, लेकिन कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज में ही इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है, तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की कौन सी, मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं एक्चुअल में, जीरो एंड वन। तो पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के लिए, तो मशीन लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं स्टोरेज यूनिट्स। अब स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था, स्टोर्ड कंसेप्ट मतलब स्टोरेज भी चाहिए कंप्यूटर में, तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। देन आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो एज इनपुट डिवाइसेस हम लोग इनपुट देते थे पेपर टेप्स और पंच कार्ड्स को यूज़ करके। अब पेपर टेप इज़ लाइक अ टेप जिसमें कुछ पंच होल्स होते थे, जिसमें हम जीरो और वन में डेटा इनपुट देते थे, डेटा ट्रांसमिशन होती थी। सिमिलरली पंच कार्ड्स भी, कुछ कार्ड्स हैं कुछ इस तरीके के कार्ड्स जिसमें क्या होते थे, पंच होल्स, कुछ इस तरीके के पंच होल्स होते थे। अब इन्हीं पंच होल्स में डेटा क्या किया जाता था, इनपुट किया जाता था, इन्हीं पंच होल्स को यूज़ किया जाता था फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये हो गए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब पंच कार्ड्स पर अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो जो क्वेश्चन पंच कार्ड्स पर पूछा जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहीं पर दे देती हूँ। पंच कार्ड्स, मैंने आपको बताया पंच कार्ड्स क्या है, मेजर इनपुट डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होता था, जिसमें पंच होल्स होते थे, जिसमें डेटा जो है वो इनपुट किया जाता था मैकेनिकली, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंच कार्ड्स किसने डेवलप किए, तो पंच कार्ड्स के डेवलपमेंट के लिए आपको अक्सर दो नाम दिखेंगे, जब भी आप अगर आप गूगल सर्च करते हैं, आप कहीं पर भी देखते हैं, तो यू विल फाइंड टू नेम्स, वन इज़ जोसेफ जैकॉर्ड, अनदर इज़ हरमन हॉलरिथ। एक है
जोसेफ, मैरी, जैकवॉट, और दूसरे हैं जिनका नाम है हरमन हॉलरिथ। तो ये दो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पे पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किया, तो हम क्या आंसर लिखेंगे? हम किसको मानेंगे कि पंच कार्ड्स का डेवलपमेंट जो है वो किसने किया, हम किसको मान के चलेंगे? तो जब हम जोसेफ जैकवॉट की बात करते हैं तो इन्होंने इन्वेंशन किया था 1750 में, और जब हम बात करते हैं हरमन हॉलरिथ की तो इनकी इन्वेंशन का टाइम है 1890। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से एक चीज़ सुनना कि फ़र्क क्या है। हरमन हॉलरिथ, जब भी आपको कंप्यूटर के कंसेप्ट में पूछा जाए, जब भी आपको कंप्यूटर के कंसेप्ट में पूछा जाए कि कंप्यूटर में फर्स्ट पंच कार्ड्स का इन्वेंशन किसने किया था एज इनपुट डिवाइस, तो वो है आपके हरमन हॉलरिथ। जोसेफ मैरी जैकवॉट ने भी किया था, लेकिन उस वक्त पंच कार्ड्स का यूज़ किसके लिए किया जाता था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल लूम में, आपके जो क्लोदिंग होती है उस पे प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसके लिए तो जोसेफ मैरी जैकवॉट है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर की टर्म्स में आपको याद रखना है पंच कार्ड्स के इन्वेंटर कौन है? हरमन हॉलरिथ है। 1890 में इन्होंने इन्वेंशन किया था, और इन्हीं के नाम की वजह से हम पंच कार्ड्स को अक्सर हॉलरिथ कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, पंच कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज हॉलरिथ कार्ड्स एंड आर ऑल्सो नोन एज IBM कार्ड्स। इन्हें हम IBM कार्ड्स भी कहते हैं और इन्हें हम पंच कार्ड्स हॉलरिथ कार्ड्स भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद मूव करते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन पे। तो सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, दैट इज़ फ्रॉम 1955 टू 1964। ये चेंज हो सकता है डिफरेंट सोर्सेज में, तो वी विल कंसीडर 1950 से 1960 तक का जो टाइम रहा वो कौन सी ड्यूरेशन रही? सेकेंड जनरेशन की। ठीक है ना, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेकेंड जनरेशन का मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्स, सेकेंड जनरेशन में जो यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर्स का एज व्हाट? एज मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांजिस्टर्स तो हमें पता है सेकेंड जनरेशन में हुई, ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट किसने किया, ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किसने किया? तो देयर वर थ्री पीपल, तीन लोग थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन किया। तो उनका नाम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वन इज वॉल्टर ब्रेटेन, अदर इज जॉन बार्डिन, एंड द थर्ड वन इज विलियम शॉकले। ठीक है, ये तीन लोग हैं जिन्होंने ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट किया है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज तो थी ही, लेकिन मशीन लैंग्वेज के साथ एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ से भी ध्यान रखना है असेंबली लैंग्वेज का जो यूज़ है या जो इन्वेंशन है वो किसने किया है? तो उनका नाम है कैथलीन बूथ। ठीक है, शी वॉज द वन जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? देखो, मशीन लैंग्वेज क्या है? 0101। तो मशीन लैंग्वेज की कैलकुलेशन को या समझने को, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए निमोनिक्स के साथ एक लैंग्वेज आ गई। जैसे सम करना है तो एक कीवर्ड हो जाएगा सम, डिवीजन करना है तो कीवर्ड हो जाएगा DIV। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को या अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए बनी असेंबली लैंग्वेज, जहाँ पर निमोनिक्स का, कीवर्ड्स का यूज़ होने लगा ताकि ह्यूमन को समझ आ सके कि एक्चुअल में क्या है, 0101 में कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज यूनिट, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक ड्रम यहाँ पर यूज़ रहा। उसके बाद स्पीड किस में मेजर होती थी? माइक्रो सेकेंड्स में। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वर ऑलमोस्ट द सेम, मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड्स। मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं? मैग्नेटिक टेप इज़ लाइक, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में पहले कैसेट्स आती थी, इस तरीके की कैसेट्स, है ना, और कैसेट्स के ऊपर एक ब्राउन कलर का टेप होता था।
है ना, ब्राउन कलर की जो रील जिसे आप बोलते हो आम भाषा में, ब्राउन कलर की होती थी वो, जिसमें क्या होता था ऑडियोज रिकॉर्ड होते थे, इवन आपके जो वीडियो कैसेट्स होते थे उसमें भी वो ब्राउन कलर की रील होती थी जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। अब तो हमारे पास वीडियोज़, पेन ड्राइव्स, डीवीडीज इन सब में आ जाती हैं, है ना, पहले ऐसा होता था। तो वो जो ब्राउन कलर का टेप है दैट इज़ द मैग्नेटिक टेप, जो स्टोरेज पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। सो वो है आपका मैग्नेटिक टेप। तो ये हो गया ऑल अबाउट सेकेंड जेनरेशन। मूविंग ऑन टू थर्ड जेनरेशन। अब जब थर्ड जेनरेशन आई तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आया जो आज तक वैल्यू करता है, जो आज तक हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ द यूजेज ऑफ ICs। ICs का फुल फॉर्म याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप। पूछा जाए कि ये कैसी है तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप है। किस एलिमेंट की बनी है तो ये सिलिकॉन की बनी है। एक छोटी सी चिप, आपका जो प्रोसेसर है, जो मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, वो एक छोटी सी चिप की फॉर्म में आ गया, जिसको आपने क्या बोला, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC बोला आपने, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि ICs किसके बने होते हैं, तो ICs बने होते हैं सिलिकॉन एलिमेंट के, ठीक है। अब इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं, काफ़ी सारे सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं, ये छोटी सी चिप पे एम्बेडेड होते थे। और जितने ज़्यादा ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जितने ज़्यादा ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स एम्बेडेड होते थे, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट एक आपका IC होता था, उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी, या उतनी ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ एफिशिएंसी आपकी एक चिप की होती थी, ठीक है। तो यहाँ से यूज़ हुआ किसका, ICs का, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स इसमें एम्बेडेड होते हैं लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स एक्सेट्रा। वन मोर पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आपको पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो डेवलपमेंट है, जो इन्वेंशन है, वो किसने लिया, तो उसके लिए आपको एक नाम याद रखना है, जैक किल्बी, ठीक है। आपको एक नाम याद रखना है, जैक किल्बी, जिन्होंने 1958 में इन्वेंशन किया किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, ठीक है। तो इन्हीं की इन्वेंशन के साथ यूज़ होना शुरू हुए थर्ड जेनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स एज योर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ICs हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो है आपकी SSI and LMSI। ये SSI और MSI क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एंड MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, डायोड्स एक्सेट्रा, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक चिप पर एम्बेडेड हैं। जैसे कि मैंने बताया, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स एम्बेडेड होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी उस चिप की, राइट। तो ये क्या है, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है। स्मॉल स्केल मतलब फॉर एग्जांपल 10 से 100 लगा लो कि उस पे कंपोनेंट्स एम्बेडेड हैं। MSI में 100 से 1000 एम्बेडेड हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी। तो SSI और MSI टेक्नोलॉजी थी ICs में थर्ड जेनरेशन में, डन। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। पहले जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी वो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, वो लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। आज आप देखोगे जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग होती है, वो नॉर्मल आपके अल्फाबेट्स, आपके नंबर्स, आपके सिंबल्स को यूज़ करके होती है, जो नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। फिर जब हम कंप्यूटर में उसकी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर कैन कन्वर्ट इट इनटू द पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ, कौन कौन सी, फोर्ट्रॉन एंड कोबोल। पूछा जाता है फोर्ट्रॉन कोबोल कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई, तो इट इज़ इन थर्ड जनरेशन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज़ फॉर्मूला ट्रांसलेशन,
और यहाँ से कोबोल का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इट इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल लैंग्वेज बिजनेस ओरिएंटेड प्रोसेसिंग्स के लिए यूज़ की जाती थी, फॉर्मा ट्रांसलेशन फोट्रॉन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए जो लैंग्वेज थी इसके लिए बनाई गई थी पर्टिकुलरली। ऑल राइट, उसके बाद स्टोरेज मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप बट विद अ लार्जर कैपेसिटी। देन स्पीड थी नैनो सेकेंड्स में मेजर होती थी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज धीरे धीरे वो यूज़ होना शुरू हो गए विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हम आज भी यूज़ करते हैं लाइक मोनीटर्स, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, इन सब का यूज़ होना शुरू हो गया था। ठीक है, सो ये था आपका सब कुछ थर्ड जनरेशन के बारे में। मूविंग ऑन टू फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड आप लोग देख सकते हो 1975 टू 1980s, है ना। तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि 1970s के बीच से लेके 1980s के बीच का जो टाइम था वो फोर्थ जनरेशन का टाइम था। अब मैंने आपको बोला कि थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई क्या इंटीग्रेटेड सर्किट्स की यूजेज और आज तक फिफ्थ जनरेशन तक इवन वही फॉलो की जाती है। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन के बाद फिफ्थ जनरेशन तक जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुए, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही थे। बट टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट की इंटीग्रेशन हमने क्या देखी थी, SSI और MSI। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बढ़ गई, LSI का फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड थे, एम्बेडेड हैं एक छोटे से चिप में, उनका नंबर बढ़ गया, लाखों में उनका नंबर हो गया। अब लाखों में हो गया तो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी वो छोटी सी चिप, राइट। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होने लगा। स्टोरेज, जब यहाँ पर फोर्थ जनरेशन आई तो आपके जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनकी इन्वेंशन शुरू हो गई थी। अब ये माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, अवर डेली यूजेज में जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर्स है, जहाँ पे आपको एक मॉनिटर मिलता है, प्रिंटर है, लैप आपका माउस है, कीबोर्ड है, इस तरीके का कंप्यूटर, लाइक दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें एक आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में भी दिया होता है, ये आपका माइक्रो कंप्यूटर। इस तरीके के कंप्यूटर्स का इन्वेंशन शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मेमोरी जो है, स्टोरेज जो है, वो कौन सी आ गई, सेमीकंडक्टर स्टोरेज, जहाँ पे रैम और रोम का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ऑल राइट, उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी, CDs, DVDs, HD DVDs, है ना, इन सब का यूजेज जो है वो होना शुरू हो गया। इस तरह की CD DVD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। उसके बाद स्पीड हो गई पीको सेकेंड्स में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें पता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक माउस एंड ऑल, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ यूज़ होना शुरू हो गए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो फोर्थ जनरेशन से पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा माइक्रो प्रोसेसिंग का कंसेप्ट या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ कौन सी जनरेशन से शुरू हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ जनरेशन। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, फोर्थ जनरेशन। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, दैट इज़ द फिफ्थ जनरेशन। तो आज तक जो हम ICs का यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बट विद मोर इंटीग्रेशन, विद मोर एडवांसमेंट। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो है ULSI। अब ULSI का फुल फॉर्म याद रखना है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ICs, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फिफ्थ जनरेशन के साथ साथ ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है, अकॉर्डिंगली, मतलब ह्यूमन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग, ह्यूमन की अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्रामिंग होना शुरू हो गई है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप AI बोलते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी किस जनरेशन की है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, तो ये है आपकी फिफ्थ जनरेशन की। ना व्हाट इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किस में होती है मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास IQ है ना, कि हम
इंटेलिजेंस के साथ सोच समझ के चीज़ों को कर सकते हैं। अब जब वही इंटेलिजेंस हम आर्टिफिशियली एक मशीन में डाल दें तो उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ह्यूमन लाइक एबिलिटीज व्हेन वी पुट इनटू अ कंप्यूटर मशीन टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियली, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल रोबोटिक्स, देन वी कैन से वॉइस रिकग्नाइजेशन। आपके फ़ोन में आप ओके गूगल करके बातचीत कर सकते हो, अपना डेटा इनपुट दे सकते हो, वॉइस इनपुट दे सकते हो और वो रिकग्नाइज भी करता है आपकी वॉइस को, है ना। इवन आपके फ़ोन में आपके जो फ़ोन लॉक्स होते हैं वो आपकी फेस आईडी होती है, आप अपने फेस से फ़ोन को लॉक अनलॉक कर सकते हो, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अपनी ऑडियो से फ़ोन को लॉक अनलॉक कर सकते हो, यानी कि आपका जो मशीन है, आपका जो फ़ोन है, वो आपकी ह्यूमन लाइक एबिलिटीज़ को, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी आवाज़ को, आपके फेस को पहचानता है, है ना। आप एप्पल के फ़ोन में सीरी से बातचीत करते हो, वहाँ से डेटा इनपुट आउटपुट करते हो, आप एलेक्सा जो है आप उनसे बातचीत करते हो, ये क्या है, ये वॉइस रिकग्नाइजेशन, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स ऐसी मशीन्स हैं जो ह्यूमन का हर तरीके का काम कर सकती हैं, बस फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हम लोगों में है बट इन मशीन्स में नहीं है, लेकिन बाकी सारी एबिलिटीज इनमें है और हमसे और एफिशिएंटली ये काम कर सकती हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली जब मशीन में डाल दिया, है ना। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोलॉग का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। तो मोर नेचुरल लैंग्वेज में मशीन में हम डेटा इनपुट कर पाएँ, वो नेचुरल लैंग्वेज में हम मशीन को अपनी चीज़ें समझा सकें, एट द एंड मशीन में जाके वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होनी है, जीरो और वन में ही होनी है, लेकिन ह्यूमन के टास्क को ईजी बना दिया गया है फिफ्थ जनरेशन में, राइट। उसके बाद इसमें आते हैं स्टोरेज कॉम्पोनेंट्स। तो स्टोरेज के लिए आज हमारे पास हर तरह की मेमोरी है, जैसे देखो फ्लैश ड्राइव्स, आप लोग फ्लैश ड्राइव्स की एग्जांपल्स क्या है, पेन ड्राइव्स यूज़ करते हो स्टोरेज के लिए, आप लोग मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हो, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश ड्राइव्स। सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो आपके सिस्टम में रैम होती है, रोम होती है, ये हो गई सेमीकंडक्टर मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी लाइक योर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये हो गई मैग्नेटिक मेमोरी की डिवाइसेस। ऑप्टिकल मेमोरी डिवाइसेस, आप CDs, DVDs, इन सब का यूज़ भी आज कर सकते हैं। तो ये हर तरह की स्टोरेज अकॉर्डिंग टू द डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है, तो ये हो गए स्टोरेज डिवाइसेस। स्पीड एज पर द कंप्यूटर बढ़ती ही जा रही है, तो फेमटो सेकेंड्स हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे पास टच पैड है, हमारे पास लैपटॉप पे ट्रैक पैड होता है, जॉयस्टिक होती है, माउस है, दिस इज द स्टाइलस, ये जो पेन है जिसे हम डिजिटल पेन बोलते हैं स्टाइलस, इससे मैं इनपुट दे रही हूँ, ये आपका व्हाइट बोर्ड है ना, ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है इससे आपको आउटपुट मिल रही है। तो एवरी पॉसिबल जो भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपने पास देखते हो वो सारे आज के क्या हैं, योर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। तो फिफ्थ जनरेशन इज ऑल अबाउट व्हाट, द प्रेजेंट जनरेशन, जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हम कौन सी जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन में। अब हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऊपर कोई टेक्नोलॉजी जो है इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग टाइम आ जाए, तो उसको हम कंसिडर करेंगे सिक्स्थ जनरेशन में, बट अभी तक हम लोग फिफ्थ जनरेशन में ही हैं, ठीक है एवरीबडी। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो भी इरा चला तब से लेके अब तक, जो जो चेंजेस आई वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको आने हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। बट ये जो हिस्ट्री का कंसेप्ट है ये यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बारे में बताया है, लेकिन हिस्ट्री में मैकेनिकल कंप्यूटर्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स तक कौन कौन से कंप्यूटर्स फेमस रहे, किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कौन कौन सी इन्वेंशंस फेमस रही किस किस चीज़ के लिए, तो उस पर भी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ लेक्चर दूंगी अपने कमिंग लेक्चर में, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि उस पर भी पूछ लिया जाता है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट जनरल पर्पज़ कंप्यूटर क्या था। तो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या फेमस है हम हर चीज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हमारा बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, वो वाला कंसेप्ट हमारा कवर हो जाएगा। देन हम लोग मूव करेंगे आगे इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस पे। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो आई होप ये लेक्चर जितना मैंने पढ़ाया है सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगता है जो नहीं दी है आज के लेक्चर में, आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन सबको प्रेस करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जब भी नेक्स्ट आप लोगों के लेक्चर्स आएँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।